फ्रैक्चर ऑफ एंकल मेलुलाई। हमारे एंकल में जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेलुलाई है लेटरल एंड मीडियल और पोस्टीरियर मेलुलाई, इसमें जब इंजरी होगी, फ्रैक्चर होगा, उसको हम देखेंगे। मोस्ट कॉमनली दो होते हैं, बायमेलुलर फ्रैक्चर एंड ट्राइमेलुलर फ्रैक्चर। फर्स्ट है हमारा पॉट्स फ्रैक्चर, जो होता है बायमेलुलर एंकल फ्रैक्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूट्रेन फ्रैक्चर। अ पॉट्स फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर अफेक्टिंग वन और बोथ ऑफ द मेलुलाई। पॉट्स फ्रैक्चर में वन मेलुलाई और बोथ मेलुलाई अफेक्टेड होते हैं। ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज अ लैंडिंग फ्रॉम जंप, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, और वेन रोलिंग एन एंकल, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन अ टिबिया एंड फिब्यूला एंड द एंकल जॉइंट। सो जब भी हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे, बहुत हाई जंप कर रहे हैं या एंकल रोल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है टिबिया और हो जाएगा मीडियल एंड लेटरल मेलुलस का। सो ये हमारी नॉर्मल एनाटमी है टिबिया, फिब्यूला एंड टैलस। तो ये जो है हमारा लेटरल मेलुलाई है, ये जो है हमारा मीडियल मेलुलाई है, जो टिबिया की वजह से बन रहा है। तो जब कोई इंजरी होती है तब हमारा मीडियल मेलुलाई एंड लेटरल मेलुलाई फ्रैक्चर होगा, जिसको बोलते हैं पॉट्स फ्रैक्चर। और पॉट्स फ्रैक्चर ओफन अकर्स इन कॉम्बिनेशन विथ अदर इंजरीज सच एज अ इन्वर्जन इंजरी, अ डिसलोकेशन ऑफ एंकल और अदर फ्रैक्चर ऑफ द फुट, एंकल और लोअर लेग। तो जब अगर पॉट्स फ्रैक्चर होगा तो वो एक दूसरे इंजरीज के साथ भी एसोसिएटेड होगा, लाइक इन्वर्जन इंजरी, और दूसरे जो पार्ट्स हैं एंकल के वो डिसलोकेट हो जाएंगे या फ्रैक्चर होंगे दूसरे बोन्स के। दिस इंजरी कॉज्ड बाय कंबाइंड अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन फ्रॉम एन इवर्जन फोर्स। इवर्जन फोर्स की वजह से, जो अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन होता है, उसकी वजह से ये इंजरी होती है। कुछ इस टाइप का लेग अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा इन स्पोर्ट्स पर्सन। सेकेंड है कॉटन्स फ्रैक्चर, ट्राइमेलुलर एंकल फ्रैक्चर। तो इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है तीन मेलुलाई का फ्रैक्चर होता है। इट इज अ कंबाइंड फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल मेलुलस, लेटरल मेलुलस एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द टिबिया। सो इसमें तीनों मेलुलाई का फ्रैक्चर होता है, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। दोनों का डिफरेंस देखें बायमेलुलर और ट्राइमेलुलर में। बायमेलुलर और पोर्ट्स फ्रैक्चर में दो मेलुलाई का फ्रैक्चर होता है, और कॉटन्स फ्रैक्चर और ट्राइमेलुलर फ्रैक्चर में तीन मेलुलाइज का फ्रैक्चर होता है। सिम्टम्स, पोर्ट्स फ्रैक्चर और कॉटन्स फ्रैक्चर के सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कॉमनली सेम रहता है। सो सडन शार्प एंड इंटेंस पेन अराउंड द एंकल और लोअर लेग इमिडिएटली एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो जब भी इंजरी होगी, फ्रैक्चर होगा, तभी उसको सडन शार्प एंड इंटेंस पेन होगा। द पेन इज सिचुएटेड एट द फ्रंट, बैक, इनर और आउटर पार्ट ऑफ द एंकल और लोअर लेग। द पेशेंट मे हैव हर्ड अ क्रैक एज वेल। जब इंजरी होगी तब उसको क्रैक साउंड भी सुनाई देगा। ड्यू टू द पेन द पेशेंट लिम्स टू प्रोटेक्ट द इंजरी। जब उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिम्पिंग करेगा। Patients with this type of fracture usually experience swelling, bruising and pain on firmly touching the affected region of bone. So in patient में swelling देखने को मिलेगी, bruising देखने को मिलेगी, pain होगा, हल्का सा touch करने पे भी pain होगा उनको। Pain may be also increased during the certain movements of the foot or ankle or when attempting to diagnosis. In diagnosis of fracture, there is a need for a careful history of the patient and increase in diameter of the leg at the malleoli level suggests the fibular fracture. Keen signs of Pott's fracture. तो डायग्नोसिस में हम उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और उसका डायमीटर चेक करेंगे लेग का, कि उसका डायमीटर बढ़ा हुआ है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसको पॉट्स फ्रैक्चर हुआ है। Diagnosis of both fracture can be confirmed on X-ray. Dennis Weber classification system that takes into consideration the So X-ray देखिए दोनों fractures के,
तो ये बायमेलुलर फ्रैक्चर है जिसमें लेटरल एंड मीडियल मेलुलाई फ्रैक्चर दिख रहा है, और ट्राईमेलुलर फ्रैक्चर में लेटरल मीडियल और पोस्टीरियर मेलुलाई फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिहैबिलिटेशन फॉलोइंग बोथ फ्रैक्चर्स इज दैट द पेशेंट रेस्ट सफिशियंटली फ्रॉम एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीजेज देयर पेन। अगर कोई भी एक्टिविटी करते टाइम पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट करने के लिए। एक्टिविटीज विच प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेच थ्रू द एंकल शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, पर्टिकुलरली एक्सेसिव वेट बियरिंग एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। सो हम उनको रनिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जिसकी वजह से उस एंकल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, वो एक्टिविटी करने से हम उनको मना करेंगे, अवॉइड करने को बोलेंगे। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्स दैट आर नॉट डिस्प्लेस्ड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व अ प्लास्टर कास्ट, इमोबिलाइजेशन एंड द यूज ऑफ क्रचेस फॉलोड बाय द यूज ऑफ अ प्रोटेक्टिव बूट और ब्रेस फॉर अ नंबर ऑफ वीक्स। अगर नॉन डिस्प्लेस्ड है तो उसको प्लास्टर कास्ट में इमोबिलाइजेशन फेज में रखेंगे और उसके बाद उसका क्रचेस के साथ मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। पेशेंट्स विद दिस फ्रैक्चर शुड परफॉर्म पेन फ्री फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड बैलेंस एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन टू इंश्योर एन ऑप्टिमल आउटकम। तो पेशेंट को हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, एंकल स्ट्रेंथ, सकते हैं और एक्सरसाइज भी बता सकते हैं उनको।